प्रधानमंत्री का कैवलकेड वहां पर पहुंच रहा है। नरेंद्र मोदी एक नया इतिहास रच रहे हैं। इस वर्तमान में बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार वो पीएम पद गोपनीयता की शपथ लेंगे और इसी के साथ एक नए एनडीए सरकार का आगाज होगा और एक नए भविष्य की शुरुआत होगी अगले 5 वर्षों तक। उन्होंने अपने जीत के बाद जो भाषण दिया था बीजेपी दफ्तर में, उन्होंने कहा था जहां कम वहां हम, यानी इस फॉर्मूले पर सबको चलना है कि जहां पर एक पार्टी कम हो वहां पर दूसरी पार्टी उस जगह को मजबूती से संभाले, मिलकर साथ चलना है। एनडीए के सहयोगी दलों को प्री पोल अलायंस में लाना नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा दाव था जो कि सफल साबित हुआ। टीडीपी के साथ आंध्र प्रदेश में जाना, जिन्होंने 16 सांसद जीत कर लाए, उसी की वजह से ये सरकार बन रही है। 12 सांसद जेडीयू के आए, प्रीपोल अलायंस में आना अच्छा साबित हुआ। 2 सीटें आरएलडी की जो कि मजबूत साबित हुई, 5 सीटें एलजेपी की। इन सबको साथ लाना, चिराग पासवान पर दम लगाना एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक और सही फैसला साबित हुआ है जिसकी वजह से एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है। अगर आप पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको देखें तो कई बार विपक्ष ने प्रश्न भी पूछे, लेकिन इसके बावजूद एक मजबूत विपक्ष भी इस देश की जनता ने इस बार दिया है। और जो कांग्रेस 52 पर सिमट गई थी 2019 में, वो इस बार 99 सीटों पर पहुंची है। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर पहुंची है। तो ये भी गवाही देता है कि बीजेपी ने इस बार ये तय किया, देश की जनता ने इस बार ये तय किया है कि उन्हें एनडीए की सरकार के साथ साथ एक मजबूत सरकार मिले। 2 बार बीजेपी के पूर्ण बहुमत के बाद एक बार फिर एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए हैं। ये बड़ा दिन है और एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने गुजरात में वडनगर जैसे जगह से शुरुआत की थी। इनके पूरे राजनीतिक सफर को आप देखिए, कई आरोप लगे, कई प्रश्न उठाए गए, लेकिन जनता ने साथ दिया और हर बार प्रधानमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने यही संदेश देश की जनता को दिया कि आपने मेरा साथ दिया, आपने मेरा सम्मान किया, आपने मुझे ये जगह दी और उसी से मेरा गर्व है। ये बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार और स्टैंडिंग ओवेशन वहां पर मौजूद सभी मंत्री और आम लोग उन्हें देते हुए जो वहां पर मेहमान आए हैं, क्योंकि ये बड़ा दिन है, ये रिकॉर्ड वो बना रहे हैं। जो शख्स 22 साल से जनता का समर्थन जीतता रहा, जो शख्स नतमस्तक होकर सिर झुकाकर सभी मौजूद लोगों को, क्योंकि न सिर्फ गणमान्य व्यक्ति वहां पर आए हैं बल्कि इसी के साथ साथ जो आम लोग हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उन सबको आज यहां पर शामिल किया गया है। और वरीयता के पूरे क्रम को अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद राजनाथ सिंह, फिर अमित शाह, फिर नितिन गडकरी, फिर जेपी नड्डा, सभी इस क्रम में। और प्रधानमंत्री आज के इस पहर में मुस्कुराते हुए एक उनका उनका संदेश भी जो सामने में मौजूद लोग हैं उनका अभिनंदन खुले मन से हंसते हुए स्वीकार करते हुए। ये बड़ा दिन है उनके जीवन में, 22 साल आप सोचिए कोई सत्ता के शीर्ष पर है, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हो या फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। आने वाले 5 साल एनडीए के गठबंधन की सरकार को उन्हें चलाना है। पीछे ललन सिंह दिख रहे हैं, ये फ्रेम भी जबरदस्त है क्योंकि राजनाथ सिंह से वो बात कर रहे हैं और पीछे ललन सिंह का चेहरा दिख रहा है, जेडीयू के वो मंत्री जिनके जिनका समर्थन जरूरी है, क्रूशियल है अगर एनडीए की सरकार चलनी है, चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो टीडीपी हो, उन सब के समर्थन की दरकार है। और प्रधानमंत्री एक एक करके जो सामने की कतार में लोग मौजूद हैं उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए, जेपी नड्डा के बाद शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद निर्मला सीतारमण, उसके बाद एस जयशंकर। तो जो वरीयता जो क्रम है वहां पर सीनियोरिटी का, वो भी एक संदेश होता है कि किसको किस तरह का मंत्रालय मिल सकता है। तमाम जो गणमान्य विदेशी मेहमान वहां पर मौजूद है उनको भी आप इस वक्त देख रहे हैं। सितारे की तरह अंकित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में तीसरी बार शपथ। मुझे लगता है कि अब सबको इंतजार होगा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, और जो पीएम की प्रशंसा वहां पर हुई है इस पर लगता है सभी तालियां बजा रहे हैं और पीएम अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं।